तो वेलकम गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एश कैच ज़ेरोरा। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही पोकेमोन एंड एनीमे वर्सेस बैटल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आज का लाइक टारगेट हम रखते हैं 20 लाइक्स का, ये आप काफ़ी आराम से पूरा करवा दोगे। और व्यूज़ टारगेट रखते हैं गाइस हम 50। हाँ गाइस, व्यूज़ टारगेट रखते हैं 50 व्यूज़, वो भी 2 दिन में। गाइस काफ़ी आसान टारगेट है, आप आराम से पूरा कर सकते हो। प्लीज़ इस टारगेट मेरा पूरा कर देना। और कमेंट टारगेट रखते हैं हम गाइस 10 कमेंट्स का। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी बकवास के। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐश क्या ज़ेरोरा को कैच कर सकता है। ज़ेरोरा एक मिथिकल पोकेमोन है गाइस अपने अलोला रीजन से, जो गाइस अलोला रीजन का सबसे फेमस पोकेमोन भी है। और ये काफ़ी कूलेस्ट पोकेमोन है, ये इलेक्ट्रिक टाइप का पोकेमोन है, काफ़ी पावरफुल है गाइस, ये काफ़ी मस्त पोकेमोन है। गाइस ऐश इसे कैच कर सकता है नहीं, आगे बात करेंगे। तो अगर इसकी बात करें तो ये अलोरा रीजन में था। ओके सब आलार बताया आपको, जो अपना ऐश है वो गला रीजन में आ चुका है। तो अगर ऐश गाइस, अगर ये ऐश की टीम में आ नहीं सकता, मैं आपको बताऊं इसके चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर मैं जैसे आपको बताऊं क्यों, तो गाइस पहले कंट्रोवर्सी मतलब पहले भी बात चलती थी कि ऐश का ज़ेप्टॉस को कैच करेगा ताकि ज़ेप्क्रोम को। तो आपको पता होगा कि पोकेमोन कंपनी जो वाले हैं ना, वो ऐश को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन देना चाहते हैं, जो कि है पिकाचू, जो कि ऐश के पास है। और कोई भी इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन ऐश के पास नहीं है, जैसे आपने देखा होगा। क्योंकि अगर कोई और इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन आ जाएगा ऐश के पास, जैसे कि ज़ेक्रोम आ जाएगा, ज़ेरोरा आ जाएगा, तो गाइस वो तो पिकाचू से लाख गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। तो फिर वो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी गाइस, ऐश के पिकाचू की फ़ैन फॉलोइंग कम हो जाएगी। जो ऐश का शायद जो ऐश का जो पोकेमोन चल रहा है, वो ऐश के पिकाचू के वजह से ही फेमस हुआ है। तो पता होगा कि कितना पावरफुल है ऐश का पिकाचू। और गाइस ज़ेरोरा भी काफ़ी, तो हम ज़ेरोरा के बारे में बात करते हैं कि ऐश ज़ेरोरा को कैच करेगा तो नहीं, पर अगर ऐश ज़ेरोरा को कैच कर ले तो उसकी टीम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएगी। भले ही गाइस मैं आपको बताऊँ ना, अगर पिकाचू मेहनत करे तो गाइस वो ज़ेरोरा को भी हरा सकता है। क्योंकि ऐश के पिकाचू ने सिल्वैली को हराया, आपको पता है वो भी एक लेजेंडरी पोकेमोन है। हाँ गाइस मैं बताऊँगा, इस ऐश अगर ऐश की टीम में ज़रूरत आ गई, ऐश और ज़ेरोरा की बॉन्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है। ज़ेरोरा ने ऐश की काफ़ी मदद भी की है, और गाइस काफ़ी मतलब दोस्ती काफ़ी की दोनों अच्छी है। और अगर ऐश की टीम में ज़ेरोरा आ जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। क्योंकि आप बताओ, आप कमेंट पे बताओ कि आप ऐश के पास गला रीजन में ऐसा कौन सा पोकेमोन देखना चाहते हो जो कि ऐश को मतलब मिलने की संभावना बिल्कुल नहीं है। तो कमेंट बॉक्स में भर दो, और कमेंट बॉक्स में लिखो कि ऐश कैच कौन सा अगला पोकेमोन करेगा, तो वो मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगा। और ये वीडियो पूरी देखो यार, मेरी बात पे आ जाते हो वैसे में आप। तो हाँ, ये फिर मैं आपको क्या बताऊँगा, इस ऐश ज़ेरोरा को कैच कर सकता है, मतलब 50-50 चांसेस हैं ऐसे कैच कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक ऐसा को पता होगा कि ऐश ने ड्रैगनाइट को कैच किया, लुकारियो को कैच किया है, जो कि पिछले सीजन के पोकेमोन, जैसे कि जो अपना ड्रैगनाइट है वो कैंटो रीजन तक ही है, और जो अपना क्या नाम है लुकारियो है, वो भी कैसे अपना होइन रीजन से ही है। तो मेरे हिसाब से गाइस ऐश भी ज़ेरोरा को कैच कर सकता है। तो आज की वीडियो इतनी थी, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, प्लीज़। 800 के काफ़ी करीब है, करवा दो 800 सब्सक्राइबर्स। और मैं गाइस प्लीज़ मेरा टारगेट भूलना मत, मैं गाइस प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर वीडियो देखी है ना, पसंद आई है ना, तो प्लीज़ लाइक कर दो। व्यूज़ टारगेट मैं आपको फिर याद दिला देता हूँ, व्यूज़ टारगेट है अपना 50 व्यूज़, लाइक टारगेट है 20 व्यूज़, कमेंट टारगेट है 10 कमेंट्स। और अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो #ज़ेरोरा, मैं समझ जाऊंगा। तो